नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। चौका बर्तन करने वाली दलित महिला से दबंगों ने की दरिंदगी। जी मामला बेगूसराय बछवाड़ा की है, जहां घर में काम करने वाली दलित महिला के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर दबंगों ने देर रात कम करने वाली दाई को उसके घर से न सिर्फ उठाया बल्कि दरिंदगी पूर्वक मारपीट रात अपने घर में बंधक बनाए रखा। बताते चले कि चमथा दो पंचायत बड़खुंट निवासी गोविंद पासवान की पत्नी देवकी देवी वाजिदपुर विद्यापतिगढ़ निवासी टुना चौधरी के घर में काम किया करती थी। रविवार की देर रात टुना चौधरी अपने समर्थकों के साथ अचानक उक्त काम वाली बाई के घर धावा बोल दिया और जेवर चोरी का इंतजार लगाकर दबंगों ने उक्त महिला को अपने साथ ले गया और रात भर एक कमरे में बंद कर बर्बरता पूर्वक बेरहमी से मारपीट किया। सुबह जब परिजनों ने उक्त महिला की खोजबीन करते हुए दबंगों के घर पहुंचे तो दबंगों ने अपने छत से दरवाजे खड़े लोगों पर ईंट पत्थर बरसाने लगा। चोटिल परिजन वापस आकर गांव वालों को सारी घटनाक्रम की जानकारी दी। तत्पश्चात आक्रोशित ग्रामीणों ने उक्त दबंग के घर जाकर खूब हंगामा मचाया। बात को बढ़ते देख दबंगों ने उक्त महिला को अपने कब्जे से मुक्त किया। सोमवार को दिन भर चमथा पुल चौक पर गहमागहमी का माहौल बना रहा। हालांकि बछवाड़ा थाना प्रभारी सुजीत कुमार व तेघड़ा DSP ओम प्रकाश अपने दल बल के साथ चमथा पुल चौक पर कैंप कर रही है। रिपोर्ट राकेश यादव, बछवाड़ा, बेगूसराय, बिहार। और क्या हुआ? उसके बाद हम 9 बजे वहाँ से आए। इनका पति हुआ है, हम लोग पति है, उनके घर से हम वहाँ से चले आए अपना। उसके बाद हम लोग को उठा कर ले गए अपना, और वहाँ जाकर मारपीट। और भी कुछ बात है? सीसी कैमरा हमको पूरा नहीं दिखाया, आधा दिखाया आधा नहीं दिखाया। जहाँ पे क्या नाम है आपका? माँ दलित के साथ जो अन्याय हुआ है, मतलब चमथा का है महिला, वो बहुत गरीब है। वो बाज़ार में बनिया के यहाँ टुना चौधरी बेसर ग्रुप चौधरी के यहाँ काम कर रही थी, बर्तन बासन चौका बर्तन यही सब कर रही है। तो 5-7 की संख्या में उसके साथ चाहा कि जो हम रेप करें, तो रेप करने के दरमियान वो चिल्ला कर भागी और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जो 15 लाख का मेरा जेवर लेके भाग गया है और उसको बेरहमी से पिटाई किया है और उसका हाल नाजुक है। ये महिला बाधित समस्तीपुर में पड़ता है, वहाँ टुना चौधरी के यहाँ दाई का काम करती है और वहाँ कल कुछ फंक्शन वगैरह था, जहाँ तक उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके घर से कुछ सामान वगैरह नहीं मिल रहा था, तो इस संबंध में महिला को फोन करके घर पर बुलाया गया था और उनसे पूछताछ की गई थी। अभी फिलहाल छेड़खानी के विरोध में मार्केट की मामला सामने नहीं आया है, बाकी महिला के द्वारा जब ध्यान दिया जाएगा तो उस दिशा में भी आगे। इस घटना को लेकर उधर से कुछ लोग महिला के साथ पूछताछ की गई थी या जो बात है वो सच्चाई सामने आएगी, तो इस संबंध में दोनों के बीच में पथराव की घटना हुई है। अभी